नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शमशी फिरदौस और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। यूनाइटेड वेलफेयर एसोसिएशन आस्थावा के सेक्रेटरी मोहम्मद हशामुद्दीन ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए तमाम मुसलमानों से अपील की है कि मौजूदा सूरत हाल में ईद उल फित्र की नमाज अपने घरों पर ही अदा करें, मस्जिद और ईदगाह में ना जाएं, बल्कि अगर चार लोग हों तो अपने घर के छत पर या घर के बाहर के हिस्से में ईद उल फित्र की नमाज अदा कर लें। कानून को पूरी तरह अमल करें, हमारे किसी भी अमल से किसी को कोई भी नुकसान ना हो, हर तरह से हुकूमत का तआवुन करें। ईद की मुबारक देते वक्त और मुलाकात के दौरान समाजी फासला का खास ध्यान रखें। अपने आप को और दूसरे लोगों को भी इस बवा के असरात से महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। जैसा कि आप हजरात को पता है, मालूम है कि इस वक्त मुल्क के हालात कोरोना वायरस के वजह से अच्छी नहीं है और इसी दरमियान ईद उल फितर भी हमारे दरमियान आने वाला है। परसों इंशाल्लाह ईद होगी। तो सबसे पहले मैं अपनी तंजीम यूनाइटेड वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से तमाम बिरादरान वतन और अपने बिरादरान इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। उसके साथ साथ कुछ गुजारिशात हैं उनसे। सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि ईद उल फितर की नमाज़ के लिए जामे मस्जिद या किसी भी मस्जिद या ईदगाह में भीड़ इकट्ठा ना करें, बल्कि अपने घरों में अगर चार आदमी हैं इमाम के साथ तो फिर अपने घरों की छत पर या बाहरी कमरा में ईद उल फितर की नमाज़ अदा करें। दारुल उलूम देवबंद के फतवे के मुताबिक अपने घर के बाहर के कमरे में ईद उल फितर की नमाज़ जायज़ है। और इसी तरह से दूसरी अहम गुजारिश ये है कि इस साल नए कपड़े के बजाय पुराने कपड़े पर ही ईद करें, ईद की नमाज़ पढ़ें। जब हमारी मस्जिदें बंद हैं और ईदगाहें बंद हैं तो फिर ईद में नया कपड़ा का क्या माने। तो इसलिए बेहतर यह है कि पुराने कपड़े पर ईद करें। और जो हजरात बना चुके हैं उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि वो इस साल पुराने ही कपड़े पर ईद करें और नए कपड़े बकरीद के लिए रख लें, आइंदा कभी पहन लेंगे। और इसके साथ साथ एक गुजारिश ये है कि ईद की नमाज़ से कबल ईद उल फितर अदा कर दें। जैसा कि इमारत शरिया का जो ऐलान है, इस साल का ईद उल फितर सदका फितर 40 रुपया है, उसको भी नमाज से पहले पहले अदा कर दें। इसके बाद नमाज के बाद आपस के मुलाकातों में भी कम से कम मुलाकात हो और एक दूसरे से मुसाफा मुआनका से गुरेज करें, बचें और पूरे एहतियाती तदाबीर की पूरी कोशिश करें और मुकम्मल फासला बना करके रखें। और जितनी भी हुकूमत की तरफ से तदाबीर इख्तियार की गई है उन सारे तदाबीर का पूरी तरह से उसको इख्तियार करें, उसको अपनाएं। और इसके साथ साथ आखिरी ये है कि अपने इस ईद में भी अपने आसपास पड़ोसी का ख़ास ख्याल रखें और बिरादरान इस्लाम का भी, बिरादरान वतन का भी ख्याल रखें कि इस दरमियान लॉकडाउन में भी कोई भूख के हालत में किसी की मौत ना हो जाए। और आखिर में जो है, मैं अपनी तंजीम की तरफ से एक बार फिर से आप तमाम लोगों को और तमाम बिरादरान इस्लाम को, बिरादरान वतन को ईद की मुबारकबाद पेश करूँगा। जज़ाकअल्लाह, धन्यवाद। इसी प्रकार की ताज़ा खबर तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।